ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर ये बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने 26,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस संगीत राज लोढ़ा की खंडपीठ ने 25 फरवरी तक की रोक लगा दी है। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई हुई और TSP क्षेत्र का लाभ नहीं देने से जुड़ा ये मामला है। मनीष कुमार नागदा की ओर से S राज पुरोहित ने पक्ष रखा। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक बड़ी राहत दी गई थी इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर, कोर्ट ने अपनी अनुमति दे दी थी, नियुक्ति की बात भी कही जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। 26,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश भारद्वाज जुड़ गए। राकेश, पहले खुशी आई, खुशी की खबर, और अचानक से उस पर विराम लग गया। आज क्या कुछ रहा कोर्ट में, हुआ क्या, वजह किस वजह से इस पर विराम लगाया गया? इस पूरी भर्ती की अगर बात की जाए तो जो थर्ड ग्रेड की भर्ती है उसमें फर्स्ट लेवल के जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के 5,000 और 21,000 टोटल 26,000 जो पद थे उसको लेकर ये पूरा पेज था। हालांकि SB ने जो था वो पिटिशनर के फेवर में ऑर्डर किए थे, लेकिन जब DB में सरकार आई तो आज सरकार की ओर से ये पक्ष रखा गया था। लेकिन याचिका कहना था कि जो प्रतापगढ़, माउंट और उदयपुर के जो पहले नॉन TSP क्षेत्र थे, लेकिन बाद में सरकार ने उसे, केंद्र सरकार ने उसे नॉन TSP का मान लिया है, तो ऐसे में उन्हें लाभ दिया जाना चाहिए। इस पर लंबी बहस हुई। बहस के बाद जस्टिस संगीत लोढ़ा और जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ ने फिलहाल 26,000 पदों पर अंतिम रोक लगा दी इस प्रोसेस पर, और 25 फरवरी तक सरकार से जवाब मंगाया कि वो बाइफर्क पिटीशन करे कि आखिर उन्हें ये लाभ क्यों नहीं दिया जाएगा। जी, और जरा ये बताइए कि जो इन याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज की गई थी पहले, क्या वो फिर से यहाँ पर उस पर चर्चा की गई, कोई बात हुई उस पर? जी, अगर मैं बता दूं तो यहाँ याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं खारिज नहीं हुई। जब एकल पीठ में ये याचिकाकर्ता TSP का बेनिफिट लेने के लिए गए थे तो एकल पीठ में जस्टिस सुशेंद्र सिंह भाटी ने याचिकाकर्ताओं के फेवर में ऑर्डर किया था, और उसी ऑर्डर के खिलाफ सरकार अब है जो राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में आई है, तो सरकार की ओर से ये अपील दायर की गई। हालांकि अपराधीगण जो अगर बात करें, मनीष वाधवा और अन्य की ओर से VLS राजपुरोहित ने आज पक्ष रखा, और उन्होंने कहा कि जब अन्य भर्तियों में समकक्ष जैसे RS की मान लो, LDC की मान लो, उसमें जब ये बेनिफिट दिया जा रहा है तो अध्यापक भर्ती में उनको बेनिफिट क्यों नहीं दिया जाएगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर यह बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने 26,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है 25 फरवरी तक के लिए। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के बाद TSP क्षेत्र का लाभ नहीं देने से जुड़े मामले में मनीष कुमार नागदा की ओर से S राज पुरोहित ने पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया।